ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। भाजपा सरकार के 8 साल हुए हैं, मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भाजपा के हमेशा विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी, आज जो दीपावली का मोदी जी का बड़ा उपहार लेकर रेलवे की 3 परियोजनाएं लेकर यहां पर आए हैं, ऐसे भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, सरकार में हमारे साथी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री ओपी धनकर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा भाई विप्लव देव जी, यहीं के सांसद और भाजपा के दिग्गज नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, और आज इस विशाल रैली के अंदर मनोहर जी के 8 साल का शासन का समर्थन करने आए हुए हरियाणा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हरियाणा सरकार के 8 साल समाप्त हो रहे हैं। 8 साल में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को बदलने का काम किया है। मनोहर लाल जी आजादी के बाद, बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को एक मुख्यमंत्री मिला है। पहले या तो मुख्यमंत्री सिरसा के होते थे या रोहतक के होते थे, हरियाणा के नहीं होते थे। हमारे मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है। माताओं भाइयों बहनों, आज भारतीय जनसंघ के पुरोधा और हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता स्वर्गस्थ डॉक्टर मंगल सेन जी का जन्मदिन है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता डॉक्टर मंगल सेन की इस पवित्र स्मृति को प्रणाम करकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मंगल सेन जी सिद्धांतों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर पूरा जीवन जीने वाले एक कर्मठ योद्धा थे, सच्चे देशभक्त, समाज सुधारक और राजनीति के अंदर शुचिता लाने का प्रयास करने वाले एक सच्चे हरियाणवी थे। मंगल सेन ने हरियाणा में भारतीय जनसंघ की नींव डाली थी, एक बीज बोया था। आज जहां पर भी उनकी आत्मा होगी उसको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वो बीज पर हरियाणा में आज बहुत बड़ा वटवृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनकर हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, ये हरियाणा भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां गीता प्रकट हुई वो ये हरियाणा है।
इसी फरीदाबाद की भूमि पर संत सूरदास ने जन्म लिया। जीवन में कभी भी देख नहीं पाए, दृष्टि बाधित थे। मैंने उनके सैकड़ों पद लिखे थे, सैकड़ों पद पढ़े हैं, सैकड़ों पद सुने हैं। देखे बगैर श्री कृष्ण का वर्णन कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति कैसे इतना सुंदर कर सकता है? तभी हो सकता है जब श्री कृष्ण उसके हृदय में, बाल कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तभी हो सकता है। आज पूरा देश सूरदास के ये भक्ति के पदों के आधार पर अपने जीवन का और आत्मा का उन्नत मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आज मैं सूरदास जी को भी बहुत विनम्रता से याद कर उनके पुण्य कार्य को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा हूं। मित्रों, आज मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। ये मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद मुझे मिलने आए, मैंने पूछा, मनोहर लाल जी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? तो मनोहर लाल जी ने अपने अलावे 15 नाम गिना दिए, अपना नाम वो बोले नहीं। इसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहाँ पर हुआ है। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनेपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है। मित्रों, और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना, आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनेपत में बनने वाली है। मित्रों, बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। सभी बड़े शहरों के लिए जहां लंबाई कम है, फाटक ज्यादा है, इसके लिए ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है। भौंडसी में हरियाणा पुलिस आवास परिसर में लगभग 576 पुलिस परिवारों को
आज अपने खुद का घर मिलेगा और वो लोग अपने घर में रहने जाएंगे। मित्रों, इस परियोजना जो रेलवे की हुई है, इससे गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक, गुड़गांव से चंडीगढ़ तक दिल्ली को बाईपास करते हुए शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कई रेलगाड़ियां बिना रोक टोक द्रुत गति से जा पाएगी। इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, आज हमारी यहां पर जो 8 साल हुए हैं, 8 साल के पहले का हरियाणा आप याद करिए, एक सरकार बनती थी तो भ्रष्टाचार होता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागिरी बढ़ती थी। मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने ना भ्रष्टाचार होने दिया, गुंडागिरी को समाप्त करकर हरियाणा को सलामत बनाने का काम किया। अंत में हुडा जी की सरकार थी, हुडा जी की 3D सरकार थी। ये 3D फिल्म तो देखते हैं, मगर पूरे भारत में 3D सरकार सिर्फ हुडा जी ने दिखाई। इसमें दरबारी थे, दामाद थे और डीलर भी थे। दरबारी, दामाद और डीलर की हुडा सरकार की जगह विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और मनोहर लाल जी उसके मुख्यमंत्री बने। मित्रों, खट्टर जी ने सभी वर्गों की चिंता की है, पूरे हरियाणा की चिंता की है और मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, 50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और, पलड़ा हमारा भारी है भाई, पलड़ा हमारा भारी है। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहां पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है, एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में, हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। मित्रों, आज खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, अरे जोर से ताली बजाना भाई, दूसरे स्थान पर आया है। ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। पूरा हरियाणा, शहर हो या गांव हो, खुले में शौच से मुक्त है। हर घर में शौचालय देने वाला भी हमारा हरियाणा पहले नंबर है, उनको मोदी जी का पुरस्कार भी मिला है। और विकास दर 15-16 से 20-21 तक 6% से अधिक विकास दर के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरियाणा आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10% से ज्यादा है। मित्रों, हरियाणा आज 8 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का कहीं नामो निशान नहीं था, आज हरियाणा सॉफ्टवेयर निर्यात करने में देश का दूसरे नंबर का राज्य बना है। मित्रों, दूसरे नंबर का राज्य बना है। 4119 युवा स्टार्टअप रजिस्टर करा चुके हैं और इस स्टार्टअप पंजीकरण में प्रति व्यक्ति अगर औसतन आबादी के दृष्टि से देखें
आबादी की दृष्टि से औसतन देखें तो देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप मेरे हरियाणा के युवाओं ने बनाए हैं भाई, हरियाणा युवाओं ने बनाए हैं। और लगभग लगभग देश में जो गाड़ियां दिखती है ना भाई, गाड़ियां देख रहे हो ना टीवी पर और रोड पर, उसमें से हर दूसरी गाड़ी मेरा हरियाणा बनाकर देश को दे रहा है भाई, हरियाणा बनाकर देश को। 8 साल के अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है मित्रों। मोदी जी ने देश भर में परिवर्तन जी की जो बयार लगाई है उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे हरियाणा ने लिया है। मोदी जी भी देखिए, अटल जी 11वें नंबर पर देश को, देश के अर्थतंत्र को छोड़ कर गए थे, सोनिया मनमोहन ने 11वां का 11वां रखा, 2014 में मोदी जी आए, 14 से 22 के बीच में 11वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आए मित्रों। हरियाणा के अंदर विश्व की लगभग लगभग 400 फॉर्च्यून कंपनियां अपना ऑफिस और कारोबार कर रही है। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। 8 साल पहले निर्यात में हरियाणा 16वें नंबर पर था, 8 साल में निर्यात में 16वें नंबर से बढ़कर हरियाणा 7वें नंबर में आया है। और लैंडलॉक स्टेट का कर ले हिसाब किताब तो हरियाणा देश में 2रे नंबर पर है। जिस राज्यों के पास बंदरगाह नहीं है ऐसे राज्यों में हरियाणा का निर्यात 2रे नंबर पर है। लगभग 1,60,000 नए उद्योग इस 8 साल में लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। और मित्रों एमएसएमई के रैंकिंग में हरियाणा देश में आज 3रे नंबर पर बना हुआ है, 3रे नंबर पर बना हुआ है। और इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग जो इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है उसमें भी हरियाणा 3रे नंबर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 127 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, 56,257 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हरियाणा ने किया है। और ये 8 साल में एक आने की भी रिश्वत लिए बगैर 98,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम भी इस हरियाणा सरकार ने किया है। मित्रों मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यों को कहा था वर्ग 3 और 4 में इंटरव्यू समाप्त कर दीजिए, मेरिट लिस्ट बनाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, इसको सबसे पहले किसी ने अगर लागू किया तो हमारे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के अंदर लागू करने का काम किया। ट्रांसफर में भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफर इंडस्ट्री यहां चली करती थी उसको ताला लगाने का काम किया है, बाकी सारी इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, ट्रांसफर इंडस्ट्री के भ्रष्टाचार को ताला लगाने का काम हमारे मनोहर लाल जी ने किया है। इनके आने के बाद प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं। कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जो एमएसपी पर 14 फसलों की खरीदी करता है। मित्रों 14 फसलों की खरीदी करने वाला हमारा हरियाणा एकमात्र राज्य। क्रॉप पेटेंट चेंजिंग के लिए सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। बागायती क्षेत्र बढ़ाने के लिए
सब्सिडी देने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है और सबसे बड़ी बधाई पूरी हरियाणा की जनता को मैं देना चाहता हूं कि यहां बेटियों की संख्या 1000 पर 870 थी, 17 थी, 817, 1000 बेटों के सामने 817 बेटियां थी। लिंग अनुपात बहुत गिरा हुआ था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हरियाणा से की और 817 से बढ़कर 913 तक आज हरियाणा पहुंचा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। जो राज्य जो देश अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं कर सकता वो किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये 8 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है। मनोहर लाल जी ने यहां से सभी गैंगों का सफाया करने का काम किया है, नारकोटिक्स पर नकेल कसने का काम किया है और मोदी जी ने पूरे देश रोजगारी, उद्योग, शिक्षा, कृषि, आईटी सभी क्षेत्र में विकास की बयार लाई है। वो सभी योजनाओं को मनोहर लाल जी जस की तस यहां नीचे जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। मैं आज यहां आया हूं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मित्रों, मोदी जी और मनोहर लाल की जो जोड़ी है उसने हमारे हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया है। मित्रों, नंबर 1 बनाने का, और मोदी जी का लगाव है हरियाणा के लिए। मोदी जी ने यहां संगठन का काम किया है। कोई भी योजना हरियाणा की जाती है तो कांचे पल में स्वीकृत होकर प्रधानमंत्री जी उसको नीचे भेज देते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है हरियाणा के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को नीचे उतारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मनोहर लाल जी की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा को बदलने में भाजपा सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मित्रों, मैं फिर से एक बार समस्त हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।